We are talking resistance today. हम resistance की बात कर रहे हैं. Resistance वहाँ होता है जहाँ oppression हो. I think the lowest human civilization touched in oppression was during the Nazis. ये बहुत दुख की बात है. हम अभी बात कर रहे थे मैं और नील जी कि book burnings जब हुई तो उसके बाद ब्रेख्ट का अब जो बचा है साहित्य वो 30% भी नहीं है जो उन्होंने लिखा. और ये बहुत गूजबम्प वाली बात है कि वैन आप उनकी किताब कहीं से भी खोल के पढ़ें तो लगता है ये कल सुबह हुआ, यहीं कहीं हुआ दिल्ली में, या आज सुबह हुआ. तो ये खूबसूरती है. In den finsteren Zeiten wird auch gesungen worden, da wird auch gesungen worden von finsteren Zeiten. When the times darken, will there be singing? Even then, there will be singing even then about how the times darken. This is the motto to the Svenborg poems, written in exile in Denmark. And as you just heard Prerna read, there are various interpretations and translations. This one by Edwin Morgan. A quick 2-3 things about Brecht. Since 1956, Brecht Foundation कहती है कि ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया कि दुनिया में कहीं ब्रेख्ट को पढ़ा नहीं जा रहा या परफॉर्म नहीं करा जा रहा. एक भी हफ्ता ऐसा नहीं गया है. दुनिया में कहीं ना कहीं वो पढ़े जा रहे हैं या परफॉर्म किए जा रहे हैं. कल 10 फरवरी उनका बर्थ एनिवर्सरी भी है. प्लस एज ए ट्रांसलेटर ये मैं जानती हूँ और बहुत ट्रांसलेटर्स ये कह चुके हैं कि ब्रेख्ट की कविता ऐसी होती है कि आप उससे एक कॉमा भी नहीं हटा सकते. तो उनको ट्रांसलेट करना, उनको पढ़ना, खुद को चैलेंज करना है. एंड इट इज़ जस्ट माई डिवोशन टू हिम. द पोम आई विल बी रीडिंग इज़ अ ब्रीफ पोम, फर्स्ट इन इंग्लिश देन इन हिंदी. इट्स कॉल्ड इन डार्क टाइम्स. They will not say when the walnut tree shook in the wind, but rather it was when the house painter trampled the workers. They will not say when the child skimmed the flat pebble over the rapids, but rather when the ground was being prepared for their great wars. They will not say when the woman walked into the room, but rather when the great powers united against the workers. But they will not say the times were dark, but rather why were their poets silent? अंधकार काल में वे नहीं कहेंगे कब अखरोट का पेड़ कांपा था आंधी में, बल्कि कब घरों के रंगसाज ने कुचला था कामगारों को. वे नहीं कहेंगे कब बच्चे ने उछाले थे चपटे कंकड़ ढलानों पर, बल्कि कब मैदानों को तैयार किया जा रहा था उनके महायुद्धों के लिए. वो नहीं कहेंगे महिला कब आई थी कमरे में, बल्कि कब विशाल राष्ट्र एक हो गए थे कामगारों के खिलाफ. वे नहीं कहेंगे कि वो था अंधकार काल, बल्कि पूछेंगे उनके कवि क्यों चुप थे, उनके शायर क्यों खामोश थे.